हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई एम वेरी श्योर एकदम अच्छे होंगे। यू नो व्हाट, जो दोस्त होते हैं आपके, आपकी लाइफ में बहुत करीब होते हैं, बहुत फेवरेट होते हैं आपके दोस्त, और यू नो आप अपनी ज़िंदगी का एक बहुत कीमती समय या बहुत अच्छा टाइम अपने दोस्तों के साथ निकालते हैं। और यस, इसके बदले में आपके दोस्त आपको क्या देते हैं? बहुत अच्छी यादें जिनको आप जीवन भर, ताउम्र अगर मैं उर्दू में कहूँ, और मरते दम तक क्या करते हैं, आप उन यादों को अपने साथ चेरिश करते हैं, उन यादों को अपने साथ संजो के रखते हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे मैं दोस्ती की चीज़ में मैं आपको दो ही चीज़ें आपको बताना चाहूँगा, सिर्फ दो चीज़ें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे दोस्त बनाएं। तो बच्चों एक ही चीज़ याद रखना कि मान लीजिए अगर आपका समय बहुत ख़राब है, मान लीजिए आपने एडुकेशन बराबर नहीं ले पाए, या फिर आपका लाइफ में बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा है, ठीक है, आप लोगों को अपना दोस्त मानते हैं और आपका लाइफ में कुछ बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा है, मैं सिर्फ आपको एक रियलिटी टेस्ट बता देता हूँ बच्चों, क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी सही स्टोरीज़ देखी हैं कि दोस्ती यारी में क्या होता है। बच्चों मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ अपना पहला फोकस, अपना जो पहला केंद्र है, पहला जो फोकस है वो पढ़ाई पर रखें। बच्चों आप अपने दिल से एक क्वेश्चन पूछिए कि आपका जो सबसे बेस्ट फ्रेंड है, अगर फ्यूचर में मान लीजिए आप कुछ कर नहीं पाए, अगर आप पैसे कमा नहीं पाए, आप फाइनेंशियली अपने आप को उतना एस्टैब्लिश नहीं कर पाए, बच्चों मुझे ऐसा लगता है ना कि जो आपका बेस्ट फ्रेंड है वो आपको दूर से देखेगा एंड वो एकदम सेट है। बच्चों आपका बेस्ट फ्रेंड एकदम सेट है, वो आपका बेस्ट फ्रेंड जैसे ही आपको दूर से देखेगा बच्चों, वो अपना रास्ता चेंज कर लेगा। यस, आपका बेस्ट फ्रेंड आपको देख के आपका रास्ता चेंज कर लेगा। वो इसलिए चेंज कर लेगा क्योंकि उसको लगता है कि साला आप उससे मिल गए, कहीं आप उससे 500 रुपये उधार ना मांग लो अपने किसी खर्चे के लिए। बच्चों तो बच्चों मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि आप दोस्त मत बनाइए, बट बच्चों हमेशा दोस्त आपके पास, अगर चॉइस है कि आप मांगने वाला दोस्त बने या देने वाला दोस्त बने, बच्चों अपने आप को इस लायक बनाइए कि आप देने वाले दोस्त बने। आपका हाथ उठे तो हमेशा सिर्फ किसके लिए उठे बच्चों? देने के लिए। मांगने वाला दोस्त आपको नहीं बनना है। तो मैं एक चीज़ आप सबसे बहुत क्लियरली कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप सबसे पहली चीज़ तो बच्चों बहुत सिलेक्टेड नंबर ऑफ़ दोस्त रखिए, आप उसी के ऊपर दोस्त रखिए, दोस्ती कीजिए जो आपको ट्रस्ट करे, जिसके साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करके आपको हल्का फील होता है। और बच्चों मैं तो एक ही चीज़ देख रहा हूँ आजकल के ज़माने में, जितने मेरे रैंकर स्टूडेंट्स हैं बच्चों, उनके दोस्त होते हैं, बात बात वो करते हैं, बट बहुत लिमिटेड दोस्त होते हैं, एक या दो दोस्त होते हैं। ऐसे दोस्त होते हैं जो उनको नेगेटिव समय में, ऐसे बुरे समय में उनको क्या करते हैं, पॉजिटिवली अपग्रेड करते हैं। ऐसे दोस्त नहीं होते कि यार पढ़ाई करे चल जा घूम के आते हैं, चल खेल के आते हैं। हाँ ऐसे दोस्त ज़रूर होते हैं, यार पढ़ाई करे, तू सुबह से पढ़ाई कर रहा है, मुझे समझ में आ रहा है तू बहुत थक गया होगा, तेरे लिए कप चाय बना दूँ, पानी पिएगा, चल एक काम करते, एक चक्कर लगा के आते, तेरा मूड रिफ्रेश हो जाएगा, तू पढ़ाई करने को पता है तू अच्छा करेगा लाइफ में, तू बहुत पैसे कमाएगा और साले हम सब की उम्मीदें तेरे से हैं, तू हम सब के सपने पूरे करेगा। बच्चों यस, ऐसे दोस्त होते हैं जो आपको क्या करते हैं, पॉजिटिवली मोटिवेट करते हैं, पॉजिटिवली एनकरेज करते हैं। तो बच्चों मैं इस वीडियो के माध्यम से दो या तीन चीज़ें आपको दोस्ती के बारे में कहना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ बच्चों, मेरे पिताजी, ये जो मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ये मेरे पिताजी मुझसे कहते थे कि दुष्यंत तू अपने आपको लाइफ में इतना आगे लेके जा कि तेरा दोस्त तेरे ऊपर फक्र महसूस करें, ना कि तेरे को लाइब्रेरी समझें और तेरे को देख के अपना रास्ता बदल लें। हालांकि मैं बहुत किस्मत वाला रहा हूँ, बहुत अच्छे दोस्त मिले मुझे। नंबर टू, हमेशा ऐसे लोगों से दोस्ती कीजिए जो आपको लाइफ में ऊपर लेके जाएं। बच्चों ऐसे पॉकेट मारो लोगों से, या फिर जो लोग आपको आपको बोलते हैं अरे यार उस लड़की को चल के पीछे चलते हैं, ये वो, ऐसे दोस्तों से मत रहिए बच्चों, जो आपको हमेशा एनकरेज करें, आपको आपके एनर्जी वैम्पायर नहीं है, नेगेटिव एनर्जी आपके मन में डाल के चले जाएँ, आपकी पॉजिटिविटी लेके भाग जाएँ, ऐसे दोस्तों से दोस्ती मत कीजिए बच्चों। सिलेक्टेड नंबर, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं दे हैव वेरी सिलेक्टेड वेरी फ्यू नंबर ऑफ फ्रेंड्स बच्चों, तो आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है। लगे तो आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट निकालिए और उसमें से जितने भी फालतू के दोस्त लोग आपने बना के रखे ना, जो आपको नीचे ढकेल रहे हैं बच्चों, उनको आज ही हटा दीजिए बच्चों। कोई आपका खास दोस्त है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, उससे भी बहुत लिमिटेड भी टच में रहिए बच्चों। अगर वो आपको पॉजिटिवली मोटिवेट करता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बच्चों उसको भी टाटा बाय बाय बोल दीजिए। क्योंकि बच्चों मैं ऐसा मानता हूँ कि बच्चों जो लोग आपको लाइफ में ऊपर लेके जाते हैं, जो लोग आपको लाइफ में कुछ आगे बढ़ने की प्रेरणा दें बच्चों, उन्हीं लोगों को आपकी आपके फ़ोन बुक में रहने का अधिकार है बच्चों। अगर आपको लगता है कि मैं आपको डिस्करेज करता हूँ तो आप मुझे भी हटा दीजिए अपनी फ़ोन बुक से बच्चों। तो बस मेरी गुजारिश है कि बच्चों अपने आप को पढ़ाई के माध्यम से, CS कोर्स के माध्यम से इतना बलशाली बनाएं, कि आपके दोस्तों को आपके ऊपर गर्व हो बच्चों। और बच्चों इस मामले में मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मेरे सारे दोस्त जो हैं वो मेरे ऊपर काफ़ी गर्व महसूस करते हैं। हालांकि हो सकता है मॉनिटरी टर्म्स में वो मेरे जो दोस्त हैं वो रिच हैं बच्चों, बहुत पैसे वाले हैं, बट स्टिल वो कहीं ना कहीं मुझे अप्रिशिएट ज़रूर करते हैं कि मैं अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत जो भी कर रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप भी
वैसे ही दोस्त बने बच्चों, देने वाले दोस्त बने, ना कि उम्मीद रखने वाले, ना कि यू नो किसी से सहारे की उम्मीद रखने वाले बच्चों। आपको प्लीज़ अपने आप को अपलिफ्ट करना है बच्चों, सो मेक राइट फ्रेंड्स। और पढ़ाई के इससे अच्छा मोटिवेशन मैं और क्या दूँ कि यू नो जब आपका बुरा वक्त होगा तो आपका बेस्ट फ्रेंड ही आपको देख के सबसे पहले भागेगा बच्चों की साला 500 रुपये उधार ना मांग ले। दिस लाइन शुड मोटिवेट यू बच्चों, दिस लाइन शुड मोटिवेट यू। थैंक यू सो मच।